नाज़रीन वेलकम बैक। एक अहम खबर आप तक पहुंचाना चाहेंगे मुस्लिम लीग नून के हवाले से, जिसने हुकूमती करारदाद के मुसविदे में तरामीम जमा करा दी हैं। एक बार फिर हम आपको बताते चलें कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से हुकूमती करारदाद के मुसविदे में तरामीम कौमी असम्बली में जमा करा दी गई हैं। मुस्लिम लीग नून ने हुकूमती करारदाद के मुसविदे में तरामीम जमा कराई हैं कौमी असम्बली में, और मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में ये भी एक अहम पेशरफ्त है। हम आपको बताते चलें कि डेवलप होती सियासी सूरत हाल, जिसके हवाले से इस वक्त एक अजीब सी फ़जा है हुकूमती इत्तेहादियों और अपोजिशन के दरमियान भी, और मुस्लिम लीग नून का इस सिलसिले में एक वाज़ेह किरदार देखा जा रहा है इस मौजूदा सियासत में, और बहुत से लोग मुस्लिम लीग नून को हुकूमत के इस्तेहकाम का सबब भी करार देते हैं। तमाम इस वक्त मुस्लिम लीग नून ने हुकूमती करारदाद के मुसविदे में तरामीम जमा करा दी हैं। हमारे नुमाइंदा खसूसी नवाज़ रजा हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि ये तरामीम क्या हैं और मुस्लिम लीग नून का मजीद क्या मौकफ है इस हवाले से। जी नवाज़ रजा जी, कौमी असम्बली में कायदे हज़्ब चौधरी निसार अली खान की जानब से मुस्लिम लीग नून ने एक रेजोल्यूशन में तरामीम बताई है जो हुकूमत की तरफ से पेश किया गया है। उसमें पहली तरमीम ये है, हुकूमत को इस बात का पाबंद किया गया है कि वह अदलिया के तमाम फैसलों और पार्लियामेंट की तमाम करारदादों पर अमल करे। मजीद ये कि हुकूमत अपने तमाम इंतजामी फैसलों में कानून और आइन को मलूज खातर रखते रखे और इंतजामी मामला को खुशकुन अंदाज में से चलाए और अदालतों से तसादुम से गुरेज करे। मुस्लिम लीग ने अपनी दूसरी तरमीम में अवाम के देरीना मसाइल को हल करने पर तमाम तर तवज्जो मरकूज करने पर जोर दिया, जिसमें गैस और बिजली की लोड शेडिंग, महंगाई, बेरोजगारी और करप्शन पर कंट्रोल के लिए फौरी इकदाम करना शामिल है। इन इकदाम को जमहूरी अंदाज जमहूरी निजाम को मजबूत करने के लिए लाजम और मंजूम करार दिया गया है। हुकूमती रेजोल्यूशन में दर्ज इस शिक पर मैं तरमीम करते हुए कि जिसमें कहा गया है कि हाकमियत अवाम के पास है, मुस्लिम लीग नून ने कहा है कि आइन और हमारे ईमान के मुताबिक सारे जहानों की हाकमियत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास है और ऐसी अथॉरिटी सिर्फ अल्लाह के नाम पर है। पाकिस्तान के अवाम इस्तेमाल जिसे पाकिस्तान के अवाम इस्तेमाल करते हैं जो कि जो उन अदूद के अंदर हूँ जो अल्लाह ताला ने मुतय्यन किए। जी आयशा, ये बताइएगा नवाज रजा कि इस करारदाद में जो तरमीम की गई है इसके तनाजुर में आप क्या समझते हैं, मुस्तकबिल में क्या हो सकती है सूरत हाल डेवलप? ये बात तो बिल्कुल वाजह है कि अपोजिशन जमातें हुकूमत की तरमीम शुदा जो करारदाद जो उसने दो तीन तरमीम किए हैं इसके बावजूद वो उसे मनोअन तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। मुस्लिम लीग नून ऐसी करारदाद की हमायत करेगी जिसमें उसकी भी तरामीम शामिल होगी। अगर मुस्लिम लीग नून जमीयत उलमाए इस्लाम पीपल्स पार्टी इनकी पीपल्स पार्टी शेर पाओ की अगर की मशावरत के साथ जो करारदाद हुकूमत उसमें तरमीम करेगी उसी की वो हमायत करेंगे। जी आपका बहुत शुक्रिया नुमाइंदा खसूसी नवाज रजा, हमसे गुफ्तगु कर रहे थे। PMLN की जानिब से हुकूमती करारदाद में तरामीम का जो मुसविदा पेश किया गया है उसकी रूह से हुकूमत अदलिया के तमाम फैसलों और पार्लियामेंट की तमाम करारदादों पर अमल करे, इसके साथ ही साथ अवाम के मसाइल के हल पर भी जोर दिया गया है। नाज़रीन